ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने पूरी दुनिया में धूम मचाकर रखी हुई है। अब तक ये 175 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनी है। बड़े बड़े अभिनेताओं से लेकर साउथ से लेकर बॉलीवुड के कुछ लोगों ने, हर किसी ने नहीं, बॉलीवुड से सिर्फ कुछ ही लोगों ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। बड़े बड़े नेता इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और कर्नाटका सरकार ने देव नर्तकों को महीने का मंथली पेंशन शुरू कर दिया है। अब कंगना रनौत ने भी इस फिल्म को देखा है और ऋषभ शेट्टी की और इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रही है। इनका ये कहना है कि ऋषभ शेट्टी ने तो कमाल कर दिया है, फिल्म की एक्टिंग, डायरेक्शन, फोटोग्राफी, हर कुछ बेजोड़ नजर आ रहा है, कमाल का है। इस फिल्म को देखते वक्त मैं कांप रही थी कि इतनी बेहतरीन फिल्म कैसे बनी है और हम इन चीज़ों से कैसे दूर रहे हैं। इस तरह की फिल्म मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। कंगना रनौत का यह भी कहना है कि कांतारा को अगले साल ऑस्कर के लिए जरूर भेजना चाहिए। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि अभी भी बहुत सारी फिल्में आनी बाकी है, क्योंकि ये देश जो है ये चमत्कारों का देश है, और अगर हम ये समझते हैं कि हम इस देश को समझ गए हैं तो हम अभी भी अज्ञानी हैं, क्योंकि कांतारा जैसी बहुत फिल्में आने वाली हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कांतारा को अगले साल ऑस्कर के लिए ज़रूर भेजना चाहिए, और जो ऑस्कर में फिल्मों को भेजने वाले जूरी मेंबर हैं उन्हें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि किन फिल्मों को भेजना चाहिए। हम इस तरह की बेहतरीन फिल्मों को अगर ऑस्कर में भेजेंगे तभी हम अपने देश को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। कांतारा वो फिल्म है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। कंगना रनौत ने पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखा है और कांतारा देखकर कंगना जो है वो बहुत खुश नज़र आ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अभी भी कंगना रनौत की ट्रोलिंग चल रही है, क्योंकि एक वक्त वो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर बॉलीवुड के खिलाफ खड़े होकर लोगों का दिल तो जीत चुकी हैं, लेकिन जैसे ही वो सलमान खान की पार्टी में जाती हैं और मुनव्वर फारूकी को सम्मानित करती हैं, ये बात लोगों को बहुत बुरी लगी थी, जिसके चलते आज भी कंगना रनौत को ट्रोल किया जाता है।